पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है और तमाम टीमों ने अपने 18-18 खिलाड़ी भी चुन लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनकी HBL PSL में सबसे ज्यादा बोली लगी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से खिलाड़ी हैं आइए आपको बताते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे आपको बताते चलें, नंबर 5 पोजीशन पर अफगानिस्तान के नूर अहमद है जिन्हें पिशावर जलमी ने खरीदा। नूर अहमद को पिशावर जलमी ने $2,42,000 में खरीदा है। पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो 6,86,00,000 रुपए बनते हैं। इन्हें पिशावर जलमी ने अपनी टीम में खरीदा है। इसी तरह नंबर 4 की बात करें तो इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स मौजूद हैं जिन्हें $2,45,000 देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है और पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो 6,94,00,000 रुपए इस्लामाबाद यूनाइटेड जॉर्डन कॉक्स को अदा करेगा। यहां पे आपको बता दें, नंबर 3 पोजीशन पर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं जिन्हें क्वेटा ग्लेडिएटर ने खरीदा है। क्वेटा ग्लेडिएटर ने मोहम्मद आमिर को $2,50,000 में खरीदा है। पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो 7,09,00,000 रुपये बनते हैं। इसी तरह नंबर 2 की बात करें तो फ़खर जमान को एक बार फिर लाहौर कलंदर ने बाय किया है। यहाँ पे आपको बता दें, $2,60,000 लाहौर कलंदर फ़खर जमान को पे करेगा। पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो 7,73,00,000 रुपए बनते हैं। नंबर 1 पोजीशन की बात की जाए तो नसीम शाह को इस बार सबसे महंगा खरीदा गया है $2,70,000 में, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाय किया है। पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो 7,65,00,000 रुपए बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी दबा दें।